बांधवांना विनंती आहे की आपण शांतता राखावी. राज्य सरकार पूर्णपणानं परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहे. मी स्वतः या संदर्भामध्ये पोलीस वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणी दोषी सापडले त्यांना स्पेअर केलं जाणार नाही. परंतु आज आपण सगळ्यांनी एक सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य कर. आई बी न्यूज 24/7 आपका स्वागत है दोस्तों. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फवास. अमरावती के अंदर देखी गई दिल दहला देने वाली हिंसक वारदात. बीजेपी के कुछ लोगों ने कल हुए शांतिपूर्वक आंदोलन के खिलाफ ये आंदोलन किया, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए. आंदोलन के दौरान लोगों की दुकानें और वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया. हम आपको ये भी बात स्पष्ट रूप से बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रूप दे रही है अमरावती की बीजेपी टीम और इस आग को भड़काने में बीजेपी का हाथ है. अमरावती पुलिस ने समय पर एक्शन लिया और लोगों पर लाठीचार्ज किया. इसी तरह की तेज़तर्रार न्यूज़ के लिए बने रहिए आईबीएन न्यूज़ 24/7 में. Yeah!
और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।